नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। आज हर तरफ हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है तो गायों की रक्षा की बात की जा रही है। इसको लेकर गौ सेवा आयोग से लेकर कई अनगिनत साधु संत और सैकड़ों समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं और गायों की रक्षा की बात की जा रही है, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात की जा रही है। सरकार भी समय समय पर कई ऐसे घोषणाएं करती है और गायों की देखभाल के लिए गौशालाओं में खर्चा भी करती है। हमने भी कई ऐसी खबरें देखी हैं, कई ऐसी आपको दिखाई भी हैं, खासकर गुरुग्राम में कि किस तरह से मेवात इलाके से, जो मेवात का इलाका है, यह एक चीज और आपको बता दें कि जो मेवात है केवल हरियाणा का ही हिस्सा नहीं है, मेवात में उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल हैं और एक पूरा जो इलाका है बुलंदशहर तक, अलीगढ़ तक ही मेवात का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसे में इन इलाकों में गायों की तस्करी बहुत सबसे ज्यादा होता है। अमूमन इस तरह की खबरें आती हैं और कई खबरें तो ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर तक एक खबरें सुर्खियों में बनी रही थी। लेकिन इन इलाकों में जाकर गौ सेवा का अलख जगाना या गौशाला खोलना, गायों की रक्षा करना, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना टफ काम होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि इन मेवात इलाकों में जहां गायों को केवल काटने की बात की जाती है, गायों की रक्षा की बात नहीं की जाती, वहां एक गौशाला चल रही है और उस गौशाला के संस्थापक आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र सिंह तंवर। इनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी, प्रवासी एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। सर, मेवात का नाम आते ही तरह तरह की बातें सामने आनी शुरू हो जाती है, कई तरह की खबरें भी हमने देखी है, उनका जिक्र हम नहीं करेंगे, आपको बड़ी बात, वहां जाकर गौशाला चलाना कितना टफ था और कैसे इसकी शुरुआत? जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजली का काम करता हूँ जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर हूँ, जो पावर हाउस बनते हैं 33 केवी के सब स्टेशन लाइन खींचते हैं, वो मेरा काम है जी। और इस लाइन में मैं पिछले 30 साल से गुवा में हूँ। मैं उधर फिरोजपुर जिरका पुनाना टू व्हीलर होता था मेरे पास, टू व्हीलर से जाता था काम करने, फैक्ट्री के काम लेते थे, गवर्नमेंट के काम भी लेते थे, तो मैं देखता था एक झंडा लगा होता था आर्य समाज का मेवात में बड़कली चौक से थोड़ा सा पहले जी जी भादस, वहाँ पे गुरुकुल लिखा हुआ था महर्षि दयानंद। तो मैं अपने आप वहाँ खींचा चला गया, टू व्हीलर खड़ा किया, अंदर गया, जाके उन्होंने कहा हाँ जी आप कहाँ से? मैं गया, मैं गुड़गांव से आया हूँ, ऐसे ऐसे बिजली का काम करता हूँ, अपना आईडी दिखाया। पहले तो वे लोग थोड़ा डर से हिचकिचाई, भाई ये नया बंदा है क्या लेने आया। लेकिन उन्होंने फिर एक बार दो बार जाने के बाद, मैं जब भी उधर जाता था उनके पास जरूर जाता था, जो मेरे से सेवा बनती थी 50 रुपये 100 रुपये उस टाइम में, मैं उनकी वो मदद भी करता था और वहीं पे मैं उनके साथ ही भोजन करता था। देखता था कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे गुरुकुल में करीब 40-45 बच्चे होते थे, स्वामी जी उन्हें पढ़ा रहे हैं, योग करवा रहे, मलखम का अभ्यास करा रहे हैं, कुश्ती लड़ा रहे हैं, तो वहाँ बड़ा मन लगता था। और वहीं पे साइड में गाय भी रहती थी, ज़्यादा गाय नहीं थी पहले, लगभग 20-25 गाय होती थी, बछड़े होते थे, तो नेचुरल है, मैं गांव से जुड़ा हुआ था तो मुझे गायों से इनसे लगाव था। लेकिन उस वक्त तक समाज सेवा आपके अंदर कोई वैसी चीज नहीं थी, आप वैसे ही रूटीन में जाते थे काम के लिए और वहां जब भूख की तलाश या भोजन की तलाश या सेंटर की तलाश, आराम करने की इच्छा होती थी तो आप वहां चले जाते? हां जी, बिल्कुल ऐसे ही था, क्यों मैं मन करता था कि होटल पे खाना खा ले, होटल पे तो खाना खा नहीं सकते थे, बड़े बड़े पतीले रखे होते थे, हमारा धर्म भी नहीं मानता था, फिर उनके यहाँ भोजन करते थे तो एक जमीन बैंक फ्री में भोजन कैसे करेंगे, और जरूरतमंद संस्था है, इस तरह से मैं उनसे जुड़ गया। ये बात है आज से लगभग 18-20 साल पहले की, 2000 के आसपास। हाँ जी, 2000 के आसपास की जी। वहाँ पे वेद प्रकाश परमार्थी जी, मुझे उनसे मुलाकात हुई, जज्जर से थे वो, बड़े अच्छे सज्जन है, आज एक गौशाला चला रहे हैं महर्षि दयानंद के नाम से ही मरोड़ा में, वो संचालक है गौशाला के। और जैसे मैं इनसे जुड़ गया, जुड़ने के बाद इन्होंने कहा हम एक गौशाला अलग से खोलना चाहते थे, यहाँ गुरुकुल में व्यवस्था नहीं हो पा रही थी पूरी, ये बच्चे भी पढ़ते थे, गुरुकुल में हम सिर्फ गायें रखेंगे दूध की, जो बच्चे दूध पिएंगे, बाकी गायें या बछड़े जो दूध नहीं देती थी उनके लिए अलग से हमें जगह मिल गई। वेद प्रकाश आदि वेद प्रचार मंडली है एक मेवात की, उनके लगभग 13 किले जमीन है मरोड़ा में, एक इनका मंदिर भी था, उन्होंने हमें वो जगह दे दी, उस जगह में एक गौशाला का हमने निर्माण किया।
मुझे भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने लोगों ने कहा प्रधान बनोगे, मैं कहा मैं प्रधान बनने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जब आदमी कहते हैं नहीं भावना होनी चाहिए, मुझे प्रधान बना दिया हमने, वेद प्रकाश जी ने, ज्ञानचंद जी ने, रामपाल जी, हम 5-6 आदमी अपना इस मैनेजमेंट बना के अकाउंट खोल गया, इस काम में जुट गए। आज हमारे पास वहाँ लगभग 260-270 गायें हैं और गौशालाओं के अंदर बहुत सारी गौशाला खुली हुई है, बहुत कम गौशाला ऐसी है जहाँ एक्चुअल में सेवा होती है। सेवा का पता चलता है पशु की सेहत देख के। आप वहाँ जाएंगे, आप उनकी सेहत देख के कह सकते हैं इनकी सेवा हो रही है, अदरवाइज गौ तड़पती भी है बेचारी, भूखी मरती है, सूखा थोड़ा डाल देते हैं, उन्हें हरा चारा मिलता नहीं, हरा चारा के अलावा दाना नहीं मिलता, सूखा थोड़ा कैसे खाएगी। हम मेवात के अंदर व्यवस्था करते हैं, अपनी ज्वार बोते हैं सीजन में, बरसिंग बोते हैं, हरा चारा डालने की कोशिश करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नहीं, मेवात में जब इसकी आपने शुरुआत की, आज से जब 2000 की बात आप कर रहे हैं जी, उस वक्त तो काफी टफ था, अभी तो हालात काफी सुधरे हैं, क्योंकि जब सरकार आई है और इस तरह की बातें चल रही है। उस टाइम क्या था जी, मैं बताऊं वहां पे डर भी लगता था। एक बार एक सज्जन है हमारे मिलने वाले, वे काफी बड़े अधिकारी है दिल्ली में, उनके फादर आर्य समाजी है, चौधरी राम स्वरूप चैन जी, मैं उनको लेकर जाता था, उन्होंने बड़ी मदद की गौशाला की, उनके अंदर भी भावना है, उन्होंने भी वे मदद के तौर पर, वे बुजुर्ग थे फिर भी मेरे साथ हर जलसे में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, हम वापस आ रहे और मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, चैन साहब आगे बैठे, दो जने पीछे बैठे थे, जीप में 4-5 लड़के आए बड़े शरारती, उन्होंने हमें बड़े जोर से साइड मारी और आप बिलीव नहीं करो, नीचे गड्ढे में गिरते गिरते बचे, हमने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, वहाँ खड़े रहे हम कई देर, उनको 2-4 आदमी भले आदमी आ गए कि ऐसे ऐसे हमारे पर, उन्होंने बताया कि हाँ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि आप गौशाला से जुड़े हो, ये रोक नहीं सकते हैं गौशाला के लिए। हमारे पास गौ जो आती है कसाईयों से छुड़ा कर पुलिस भी लेकर आती है, कई बार क्या होता है वे बेचारी चलते ट्रक में से उसे घेर देते हैं, घायल होती है, किसी कुल्ली टूट रही, किसी का पैर टूट रहा है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कराना, इलाज कराना और फिर उनको अपने पास रखते, इस तरह के हमारे पास बहुत सारी गायें हैं। नहीं, जैसे यहाँ से हमने कई खबरें ऐसी देखी है कि गुरुग्राम आसपास से लोग गायों को उठा लेते हैं, मेवात में अमूमन कहे कई ऐसे तस्कर हैं, गाय तस्कर जो यहाँ से लेकर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ तो आपके पास 250-200 के आसपास गायें हैं, तो वहाँ भी ये लोग कोशिश करते होंगे उनको। जी, हमने क्या किया, सबसे पहले जो जगह थी उसकी चारदीवारी ऊंची की और गेट पे हमारे 2-3 आदमी सोते हैं रात को, एक एक आदमी वार से जागते हैं ताकि भाई कोई हमारे साथ इस तरह घटना, हमारे साथ ऐसी कोई घटना अब तक नहीं हुई, क्यों उनको पता है यहाँ 10-12 आदमी हर टाइम जाते हैं और हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, गाँव का बहुत सहयोग मिला है, वहाँ के लंबरदार है और भी आदमी है, पंडित जी है, वे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काम के। आपको तो रियल अनुभव हुआ होगा वास्तव में, जो आरोप लगते हैं कि मेवात में इस तरह से गायों की तस्करी, कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों से सामना हुआ होगा आपको, वे लोग कैसा अनुभव कैसा था वो उन लोगों से, तो सही माने में हमें डर भी लगता है, डर की सेंस में लगता है, उनके अंदर इंसानियत है नहीं, वे गाड़ी में पशु को लेकर जा रहे हैं, गाय को लेकर जा रहे हैं, कचरे को लेकर जा रहे हैं, यदि हम उसका पीछा करते हैं 2-व्हीलर पे, वे इतने शरारती है हमारे ऊपर गाय को फेंक देते हैं। अच्छा, इस तरह हादसा ऐसे टनों का एक लड़का मरा था बेचारा दिल्ली से, जो हादसे हैं इस तरह, तो उन लोगों से तो वैसे पुलिस बहुत मदद करती है, अब तो पुलिस बहुत सतर्क हो रही है, पहले तो पुलिस भी मदद कम करती थी, पुलिस भी डरती थी उनसे, हम तो क्या चीज़ है, और इस तरह से कुछ नौजवान युवा भी हमारे साथ आए, जो टीम बनी उन्होंने आके हमारी मदद करते हैं, उन्होंने अपने नंबर दे रखे हैं, बोले हमें फ़ोन करो इस तरह ऐसी कोई दिक्कत है, पुलिस ने भी नंबर दे रखे हैं, और वहाँ पे जैसे वो जगह पे हमने बिजली का एक कनेक्शन लिया, उसमें जो वहाँ के एक्शन थे उस टाइम, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, क्यों नेचुरल है मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, बिजली बोर्ड के अधिकारियों का सहयोग लेकर वहाँ कनेक्शन लिया, ट्रांसफार्मर लगवाया, लाइन खिंचवाई, चौधरी दलजीत सिंह बिजली बोर्ड से SC रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने मदद की, RN गुप्ता जी है एक्शन साहब रिटायर्ड, और DS यादव जी हमारे डायरेक्टर रिटायर, इस तरह से काफ़ी जो भी मेरे संपर्क में थे, मैं कोशिश की सबको वहाँ जोड़ने की, एक बत्रा साहब थे डायरेक्टर रिटायर्ड है, उनसे मैंने कई बार एक जो ऊँट का डेढ़े का होता है एक तूड़े का वो भी डलवाया, इस तरह से मैं तो कोशिश ये रहती है जहाँ से भी जिससे भी जो भी मेरे मिलने वाले हैं जो भी मदद हो जाए किसी फैक्ट्री का सपोज होता है। एक एक तौर सा एक मैं जानना चाहूँगा कि अमूमन हमने कई गौशालाओं को देखा है उनके हालात अच्छे नहीं जी, वो लोग खोल तो लेते हैं गौशाला, उसके हालात अच्छे नहीं होते,
वजह क्या है? सरकार भी कह रही है कि हम मदद करते हैं, लोग भी कहते हैं कि हम गौशालाओं में मदद करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी स्थिति ठीक नहीं। वजह सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी गौशाला है, हमें पिछले साल सिर्फ 51,000 रुपये गवर्नमेंट की एड मिली है, बस 51,000, ओनली 51,000, और इस साल अब तक कोई मिली नहीं। हमारे सांसद राव इंद्रजीत, इन्होंने हमें एक बार 5 लाख रुपये दिए थे, अभी भी 1.5 लाख का इन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया, अभी हमारे जलसद उनके पास गए थे कि 1.5 लाख हम दे देंगे। हम इस तरह से पर्सनली पैसे लेकर आते हैं। अभिमन्यु जी के पास गए थे, उन्होंने भी हमें पैसे दिए थे। एक बार अभिमन्यु जी ने हमें 11 लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? वो कहते हैं गौशाला के लिए अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अरे, हमने पट्टे पर ज़मीन ले रखी है 30 साल के लिए, तो इस ज़मीन पर दो। कहते नहीं। फिर हमने क्या किया, जो तो करके या लोगों से थोड़े थोड़े पैसे करके एक जगह दी हुई, तो उसके साथ ही बिल्कुल बिल्कुल टच करती हुई वो जगह हमने उसमें मिलाने के लिए अभी जल से अभी वो रखी थी बात। सोना वाले विधायक ने भी हमारी मदद की है और लोगों ने की। कुछ दानवीर दिल्ली से आए थे, कुछ गाँव से भी दानवीर गए थे, वो जगह हम उसमें मिला रहे हैं। अब हमारी जगह हो जाएगी, नेचुरल हमें एड मिलेगी गवर्नमेंट से। लॉकडाउन के दौरान जी, जब सरकार ने सबकी मदद की, इंसानों के लिए खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, बहुत कुछ की, लेकिन उस वक्त जानवरों की स्थिति बड़ी खराब हुई थी, और ऐसे में गौशालाओं, चूंकि आप लोग भी बाहर निकल नहीं पाते होंगे, लॉकडाउन लगा था, कितनी दिक्कतें आई लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, हम बाहर से चारा नहीं ला सकते थे, हम गुड़गांव से वहाँ गौशाला में भी जा सकते थे। वेद प्रकाश लोग भी नहीं आते होंगे देने वाले। वेद प्रकाश जी ने, गाँव वालों ने, उन्होंने इतनी मदद की, बेचारे खुद लगे रहे, वर्कर भी चले गए, तो खुद लग के सरकार से हमें मदद नहीं मिल पाई। उस टाइम जब हमें दिखा कि गाय भूखी मरेगी, हमने क्या किया, जितने भी आर्य समाज है उन सबको फोन किया, गुड़गांव का बसई है, अर्जुनगर है, सोना का है, पुराना का, नगीना का, फिरोजपुर चिरका का, उन सब आर्य समाजों ने, सबके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सब ने हमारी मदद की। किसी ने 11,000, किसी ने 5,100, किसी ने 51,000, इस तरह से करके आर्य समाज ने हमारी बढ़ चढ़ के मदद की, जितने भी समाज थे और कुछ और दानवीर थे, उन सबसे हमने पर्सनली कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने भी मदद की। उस वक्त सरकार को भी करना चाहिए था, कि गौशालाओं में भी एक और मैं बताना चाहूँगा, कवल सिंह यादव जी सेक्टर 14 में रहते हैं, वो तहसीलदार थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, वो दादरी पोस्टिंग थी, हमने उनसे बात की, उन्होंने हमें कहा आप दादरी आ जाओ, हम किसी तरह वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए, वेद प्रकाश परमार्थ जी गए थे, उन्होंने कहा जी हमें 1 लाख रुपये। उन्होंने प्रयास करके अगले दिन फील्ड में खुद घूम गए, 1 लाख रुपये अगले दिन हमारे कटे, 1 लाख रुपये हमें इतना बड़ा वरदान दिखाई दिया उस टाइम ऐसे का, क्यों गाय भूखी मरने की आदत मांगी। हमने उससे फिर गाय के लिए दाना खरीदा, गेहूँ में दलवाई और दलवा के उनको, जिससे कि थोड़े में मिला के गाय पेट भर गए। ये बड़ी बड़ी दिक्कत आई है। तो साहब, आपको क्या लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे सेंटर में हो चाहे हरियाणा में हो, क्या लगता है कि गौशालाओं की स्थिति सुधरी है कुछ? हाँ, गौशाला बिल्कुल सुधरी है। लेकिन आज भी चौक चौराहे पर, रास्तों पर हम देख लेते हैं कि गाय ऐसी ही घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, ये कर रही है। वो ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ महोदय, सरकार 35 रुपये पर पशु हमें देती है। अच्छा, गौशाला को उसमें 35 रुपये में काम नहीं चलता। एक गाय का महीने का खर्चा जो है लगभग, वो आता है जी साल का जो खर्चा आता है वो आता है 15 से 20 हज़ार एक गाय का। जैसे हमारी गाय, हमारा खर्चा साल भर का होगा 45 से 50 लाख के बीच में, और जो सरकार देती है वो तो जो पैसे देती है 35 रुपये, पशु पर लगते हैं 150 रुपये, वो तो ना के बराबर है। पर चलो, उससे फिर भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिलते हैं, पहले तो ये भी नहीं मिलते थे, कम से कम ये मिले, कुछ तो सपोर्ट है सरकार का इस तरफ ध्यान। हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी जरिया है सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा से पैसे भी बढ़ाओ, और सरकार खोलने के लिए गौशाला और भी कह दिया है, धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है, पहले से तो बहुत ठीक हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी बेचारी प्रॉब्लम थी। आप अगर चूंकि गायों से जुड़े हुए हैं, गाय गौ सेवा कर रहे हैं आप, और उन इलाकों में कर रहे हैं, अगर 4 लाइन आप गायों के बारे में कुछ कहें और लोगों से अपील करें कि चाहे वो आप ही का गौशाला नहीं, कोई भी गौशाला हो कहीं देश में, उनके आसपास कहीं हो, वो किस तरह से जाएं, मदद करें, उससे क्या लाभ होगा? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे गांव में भी गौशाला है, मैं वहाँ भी गौशाला से जुड़ा हूँ, सरपंच जैन उसके प्रधान है, और मैं बागपत का रहने वाला हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी गौशाला बागपत की
बागपत जिले में फर्स्ट नंबर का ये उसे अभी 26 जनवरी के नाम लेकर लाया, साफ सफाई में देख रहे हुए वहाँ गांव वाले खूब मदद करना चाहते हैं, हम नहीं पहुँच पाते उन तक, श्रद्धालु बहुत है, यदि हम उन तक जाए खूब मदद करते हैं, जैसे हम अपने गाँव में चला रहे हैं सरकार की तरफ से वहाँ मदद आ रही है कुछ हम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, अपने घरों में हम कुत्ते रखते हैं, एक एक कुत्ता 50-50, 60-60 हज़ार का आता है, अरे एक गाय दे दो 10-12-15-20 हज़ार की गाय देती है, बच्चों को दूध भी देगी, और उससे गाय हमारे रहने से मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस घर में गाय होगी उस घर में पड़ले और बीमारी कभी नहीं आएगी, ये मेरी अजमाई बात है, मैं खुद यहाँ 4 गायें रखता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले गाय के पास जाता हूँ 4 बजे, मैं मेरी धर्म पत्नी गायों की अपने हाथ से घास करना, उनकी सेवा करना, उनके पर हाथ फेरना, दूध निकालना, वहाँ से बाद में फिर हम पार्क जाते हैं, पार्क में अपनी घूम के एक्सरसाइज करके तब घर आते हैं 7 बजे, ये डेली दिनचर्या अपनी है, और गाय के ऊपर यदि हम हाथ ही फेरेंगे, हाथ फेरने से ही इतना फर्क मिलेगा आपको, डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम भी आएगी, जो रूटीन का चेकअप कराते हैं मैं बताऊँ आपको, ये कहते हैं मक्खन घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डॉक्टर लोग सभी कहते हैं ये गलत फहमी है, मैं खूब छक्के मक्खन खाता हूँ 3 टाइम, और जैसे टेस्ट कराते हैं ना, अभी टेस्ट कराना पिछले महीने में रिपोर्ट में लानी भूल गया, मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊंगा, मेरा HDL अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, डॉक्टर हैरान नहीं है मेरी रिपोर्ट देख के, ये इतना अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे, वो गाय की तो नहीं है, खुद काम करते हैं, गाय का घी खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, और अच्छी दही पीते हैं, सुबह लस्सी पीते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, घर में खुशहाली आएगी, सारी बीमारी नहीं होगी, और जो पहले पुराने आदमी कहते थे, पहले होते बोले भूत है वहाँ उस जगह, जहाँ भूत ये पड़ता थी, मैं तो मानता नहीं इन चीज़ों को, जहाँ भूत पता था वहाँ गाय को बांध दो, भूत आसपास पड़ोसी के आगे नहीं आएगा, जहाँ गाय का जीव रहेगा, तो गाय तो इतनी अच्छी आत्मा है, इतनी शुद्ध आत्मा है, उसकी सेवा करो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, हम तो इसी काम में लगे हैं, मैं तो अपने भाइयों को परिवार को सबको इसमें जोड़ रहा हूँ, मेरे छोटे भाई भी है, कुल भी छोटा कहीं बड़ा पर में काम करता है, राज सिंह है मेरा साथी है, ये सब भी मैंने इस संस्था से जोड़ रखे हैं, इनके भी मैं मदद कराता हूँ, निरंजन सिंह तो हमारे हैं, अमरजीत सिंह है, और बहुत सारे आदमी मेरे मिलने वाले जिनसे मैं सबको, एक हमारी विद्या भाभी ही रहती है सेक्टर 17 में, इन सबको मैंने जोड़ रखा है, और ये कहता है ये गाय गोद ले लो, क्या है कुछ भी नहीं, 15,000 रुपये साल का एक गाय का खर्चा है, एक गाय गोद ले लो, उन्हें भी अच्छा लगता है, कुछ गाय हमने ऐसे गोद दे भी रखी है, गुड़गांव से 5-7 आदमी तो मेरे मिलने वाले भी मैंने गाय गोद ले रखी है, तो मैं तो यही कहूँगा गाय की सेवा करो और खुशहाली लाओ अपने घर में, हर एक बीमारी से दूर रहो, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ये थे सुरेंद्र तंवर जी, जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं और हरियाणा के मेवात इलाके में जहाँ गाय का नाम लेना भी एक पाप माना जाता है या लोग उससे चिढ़ते हैं जो लोग गाय की बात करते हैं, वहाँ इन्होंने करीब 250 गायें हैं, वहाँ एक गौशाला खोला है, और केवल गौशाला ही नहीं खोला है, उसकी देखरेख और स्वयं करते हैं उसकी देखरेख। आप सभी अपील है कि देश के किसी भी कोने में आप बैठे हों, कहीं भी हों, आपके आसपास में जो भी गौशाला हो वहाँ जाएं और एक गाय को जरूर गोद लें, जिससे आप जैसा कि ये बता रहे थे कि अगर गाय का आप सेवा गाय की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप आपके साथ कोई हारी बीमारी या किसी दुर्घटना से आपकी रक्षा हो सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। एक बात और मैं बताना चाहूँगा जी, यदि कोई आपके पड़ोस में कोई गाय घायल हो जाए, उसका पैर टूट जाए या उसको एक्सीडेंट हो जाए, तो एक गाय गौशाला झज्जर में खुली है, झज्जर वालों को फ़ोन करूँ, उनका नंबर मैं दे दूँगा, वे अपनी गाड़ी ले आते हैं, उस गाय को बछड़े को जो भी घायल है खुद ले जाते हैं, सिर्फ हमें गाड़ी का किराया देना है, यदि वो गाय ठीक हो जाती है उसे दोबारा लियो, नहीं लाना चाहते उनके पास छोड़ दो, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अपने गाँव से बागपत में बावली गाँव है मेरा, वहाँ से हमने लगभग ज़्यादा नहीं 15-20 गायें वहाँ भेज चुके हैं, इतनी बढ़िया सेवा भी लोग कर रहे हैं, उनके पास साधन है, सब कुछ है, संपन्न है ये लोग, वहाँ पे जो उसका मेन आदमी है उसके अंदर बड़ी भावना है सेवा करने की, उसने कहा मैं कहीं भी हूँ मुझे फ़ोन करो, चाहे रात को भी करो, रात को भी फ़ोन करते हैं, यदि उसके नंबर चाहिए मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे मैं तो ये कहूँगा गाय भेजो, बेचारी तड़फती रहती है, उसका पाप हम सबको लगता है, जो प्रकृति में पल्ले आ रही है इसलिए तो आ रही है, गाँव को कोई दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो दोबारा से ये कहूँगा गायें पालो,
ज्यादा नहीं है गाय जरूर पालो, ये ठीक है कुत्तों को रोटी दो, मैं नहीं कहता, लेकिन कुत्तों को जो हम बांध के हैं ना वो भी पैसा रहे उनके ऊपर, जो कुत्ते हम बांध रहे घर में बेचारे रोते रहते हैं। मैं सेक्टर 14 में रहता हूँ, 4-5 दिन हो लिए कुत्ता की बेचारे के रोने की आवाज़ आती है। मैं अपनी पत्नी से कह रहा था पता नहीं कौन साफ कर रहा है, वो तो शोक में पाल रहता है, ये बेचारा रो रहा है, फ्री रहने वाला घूमने वाला उसको बांध रखा उसने, वो रोता रहता है। अब शगुन भी माना जाता है जहाँ मोहल्ले में कुत्ता रोता है। तो गायें पालनी चाहिए, और सभी से समाज से कहूँगा दोबारा से, गायें पालो स्वस्थ रहो। नमस्कार। बिल्कुल, इस पेशकश में बस इतना ही, देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।